गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th के लिए विषय गणित, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी, कौन सी के लिए? क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 के लिए, जिसको हम वृत्त यानी कि हमने सर्कल के बारे में स्टार्ट की थी रिविजन क्लास। और हमने काफी सारी चीजें रिवाइज कर ली थी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। और आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। आज हम वृत्त के क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे क्या चीज दिखाई दे रही है? अब कि आपको स्क्रीन पर एक वृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वृत्त है हमारे पास में, और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते हो कि जो इसके केंद्र, जहां पर, यहाँ पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा, इसको हमने ओ मान लिया, और वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु पी, वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु P को जब वृत्त के केंद्र से जोड़ दिया जाता है, तो ये जो बनता है आपके पास में कि केंद्र से जब आपने बिंदु P को जोड़ दिया, तो जो आपके पास में एक रेखाखंड बन के तैयार हुआ, तो आप इसको कहोगे क्या है? वृत्त की त्रिज्या R है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, रेडियस है। तो आप जानते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि आप लिखोगे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वेयर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर। और इसके अंदर आप जानते हो कि जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, 22/7, या फिर हम पाई का एक और मान जानते हैं जिसको हम जानते हैं 3.14। जो भी जरूरी होता है, अगर हमें ऐसे डिजिट्स दे रखी हैं कि अगर उसमें पाई का मान 22/7 चल जाता है, कि 7 से कट जाता है, हम तो इसको रख लेते हैं या फिर हम इसको भी रख लेते हैं। आज हम दोनों ही चीजों को रख के देखेंगे कि आंसर सही आता है। एक तो ये चीज हो गई कि पाई का मान 22/7 और 3.14 होता है। फिर दूसरी चीज है कि मान लो कि हमारी जो त्रिज्या है, जो हमारी रेडियस है, वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर जो इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो किस में निकल कर आएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। और अगर हमें ये त्रिज्या मीटर में दे रखी होती, तो हमारा क्षेत्रफल किस में निकल कर आता, मीटर स्क्वायर में निकल आता। यानी कि आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो जो क्षेत्रफल होता है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई गुणा आर यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 या फिर 3.14 होता है। और जो क्षेत्रफल होता है इसकी इकाई यानी कि किस यूनिट में आता है, ये वर्ग इकाई में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। जो भी हमें त्रिज्या का मान दे दिया जाए जिस भी इकाई में, उसी का वर्ग क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल का यूनिट बन जाता है। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, रिवाइज हो गया है, तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप कर दो ताकि हम आगे चले। फिर जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है। तो अब आपका थोड़ा सा चैट सेक्शन रोका जाता है कुछ समय के लिए, कि कुछ समय के लिए आपका चैट सेक्शन रोका जा रहा है। वजह आपको पता है कि चैट सेक्शन क्यों रोका जा रहा है, कि अब आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आएगा, आपको उसको हल करना है, और हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर क्या करना है, उसका आंसर करना है। तो आपको एक प्रश्न दिखाया गया आपकी स्क्रीन पर कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कि यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करना, यानी कि आपको क्या चीज दी गई है, आपको दी गई है कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपको वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस का मान दे दिया गया है, कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। क्या चीज आपसे पूछी गई है? आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। और आप जानते हो कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप जल्दी से उस सूत्र को लगाना और आंसर निकालना और बताना कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो भी इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, ताकि जब उनसे चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो वो जल्दी से पोल चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करके भेज दें। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना वोट कर देंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कितने बच्चों ने पोल कर दिया, काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर आंसर कर दें। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो भी जल्दी से सॉल्व कर लें, ताकि जैसे ही आपका कमेंट सेक्शन ओपन किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर अपना जल्दी से ऑप्शन लिखकर भेज दें। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है,
बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर आंसर कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर कर देंगे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से जिनके पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से सॉल्व करके अपना पोल के अंदर आंसर कर देंगे। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जा रहा है। अब आप बच्चे जल्दी से जाइए चेक कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर, और आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए सभी बच्चे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। लोकेश ठीक है, दीपांशु, कार्तिक, सपना ठीक है, अशोक, संदीप, तरुण। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा। देखिए आपको क्या चीज दे रखी थी और आपसे क्या चीज पूछी गई है, यानी कि आपको दे रखा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था। तो आपने कहा कि आप जानते हो कि वृत्त के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। आपने कहा वृत्त का क्षेत्रफल अगर एरिया ए होता है तो सूत्र क्या होता है हमारे पास में, कि हमारे पास में सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर का मतलब है आर गुणा आर। अब आप जल्दी से इसके अंदर क्या रख दीजिए, सभी चीजों के मान रख दीजिए। जैसे पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया, आपने पाई का मान 22/7 रख दिया गुणा आर। आर का मान कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, तो आपने आर का मान 7 रख दिया गुणा यहाँ पर भी आर का मान कितना रख दिया आपने, 7 रख दिया। और आप जानते हो कि 1 7 से 1 7 कट जाएगा, तो आपके पास में जो क्षेत्रफल बच गया, एरिया कितना बच गया, वो बच गया 22 गुणा 7। और 22 गुणा 7 कितना होता है आपके पास में, हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्योंकि आपको बताया गया था कि जिसके अंदर भी आपकी त्रिज्या दी जाएगी, यानी कि आपको सेंटीमीटर में दी गई है, तो आपको जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। अब आप जल्दी से बताइए सभी बच्चे, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है समझ में नहीं आया तो वो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है कि कैसे कैलकुलेशन सोल्व की गई है, तो आप जल्दी से अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया है, अब आपका चैट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है। वजह आपको पता ही है चैट सेक्शन क्यों बंद किया जाता है। जल्दी से सभी बच्चे, अब आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न दिखाया गया है, आप इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना ऑप्शन वोट करेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न 19 आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कर लेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट कर देंगे। हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि आपको क्या चीज दी गई है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया वृत्त का एरिया, क्षेत्रफल का मान दिया गया है कितना, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछी गई वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपसे इसकी रेडियस पूछी गई है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी अपने साथ के साथ ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, कॉपी के ऊपर अपना ऑप्शन बना के लिख लेंगे, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए वैसे ही आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज दें। चलो बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन करना स्टार्ट कर दिया है, बच्चों ने पोल के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, बाकी बच्चे भी अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर, 5ों का ही सही है अभी तक। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और पोल के अंदर वोट कर दें। वेरी गुड, अभी जितने बच्चों ने पोल के अंदर वोट किया है सभी का आंसर सही है।
चलिए देखते हैं जल्दी से सभी बच्चे क्या कर दे। पोल के अंदर वोट कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारा टाइम आप यूज कर चुके हो और काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर भी दिया है। बाकी बच्चे भी अब जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन। कोई बात नहीं, अब आप चैट सेक्शन के अंदर लिख देना बच्चे। अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जा रहा है। अब आप जल्दी से जाइए सभी बच्चे, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था या फिर किसी बच्चे का छूट गया है, तो वो चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करके भेजे। ठीक है खुशबू, कार्तिक, दीपांशु, संदीप, सपना, लोकेश, देव, अशोक, वर्षा। ठीक है, टॉक्सिक गेमिंग के नाम से जो बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका भी ठीक है। शायद इनका नाम क्या था लास्ट का, केशव। केशव। हाँ केशव। ठीक है तो चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जल्दी से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आपको क्या चीज दी गई थी, आपको दिया गया कि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने लिख दिया कि सर ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल, और हमने इसको बॉक्स के अंदर लिख दिया ये रहा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे किसका मान पूछा गया है, आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, बताइए रेडियस का मान कितना होगा। तो आपने कहा एरिया का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है एरिया का, कि एरिया हमें दे रखा है 64 पाई, और हम जानते हैं कि एरिया का जो सूत्र है वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वेयर, और इसका मान कितना दे रखा है, 64 पाई हमें दे रखा है। अब आप खुद बताइए हमें आर का मान निकालना है, तो जो भी चीज हमें निकालनी होती है वो उधर ही रहती है। आपने कहा ये आर स्क्वेयर तो इधर ही रहेगा क्योंकि हमें आर का मान निकालना है, इक्वल्स टू 64 पाई। अब आप देखते हो कि इधर 64 पाई किसमें गुणा में, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, 1/π हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस पाई से इस पाई को कट कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया सर आर स्क्वायर का मान तो आ गया हमारे पास में 64। अब आप जल्दी से बताइए 64 किसका वर्ग होता है, यानी कि आप लिख दोगे सर हम आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 8 का वर्ग होता है। और आप कहोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो एन टाइप करना, या फिर जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि सर हमें यहां से समझ में नहीं आया है। ठीक है सभी को समझ में आ गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इतना समझ में आ गया तो अब आगे देखिए। देखिए अगर आपको 64 पाई आंसर ना, क्षेत्रफल का मान 64 पाई ना दे करके, अब आप हमें बताओगे कि अगर आपको यहाँ पर 64 पाई ना दे करके अगर आपको क्षेत्रफल का मान 81 यानी कि 81 पाई दे दिया जाए, तो जल्दी से बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर एरिया का मान 81 पाई ना दे करके, सॉरी 64 पाई ना दे करके 81 पाई दे दिया जाए, तो बताइए जरा त्रिज्या का मान कितना होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, जैसे कि कार्तिक का आ गया है, और राजेश का आ गया है, दीपांशु का आ गया है, अशोक का आ गया है, खुशबू का आ गया है, तरुण का आ गया है, अजय का आ गया है। ठीक है लोकेश, सभी का आंसर आ गया है। चलिए ये तो ठीक है कि आपको समझ में आ गया है। चलो एक नंबर ऐसा देते हैं जो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि वो नंबर वर्ग में नहीं आता। चलो अगर हम नंबर दे देते हैं आपको, बताइए कि अगर एरिया यानी कि क्षेत्रफल 32 पाई है, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। नहीं, अब थोड़ा सा गलत कर दिया है आपने, अब आप इसको सोल्व करो। पहले नितेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, नितेश कुमार मौर्य के नाम से, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में आंसर कर गए हैं। अगर क्षेत्रफल का मान 32 पाई है तो बताओ जरा त्रिज्या का मान कितना होगा। ये रहा जिसको हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, काले बॉक्स के अंदर। आप इस पर्सन को कॉल कर रहे हैं जिसको हमने काले बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, कि यदि क्षेत्रफल का मान हमारे पास में कितना है, 32 पाई है, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा।
सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद मैं जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे। कोई बच्चा 8 भेज रहा है, कोई 16 भेज रहा है। ठीक है चलो, काफी लोकेश का भी 16 है, खुशबू का भी 16 है, दिशांत का 16, सभी बच्चों का 16 आंसर है। चलो देखते हैं कि इसके आंसर 16 है, वर्षा का भी 16 ही आ गया है, सपना टॉक्सिक गेमिंग के नाम से सभी का 16 आंसर है। ठीक है, केशव का भी 16 आंसर है, सोलह सभी। नहीं आएगा। ठीक है अब देखो जरा इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे जल्दी से सभी। 4 रूट 16 2।4√2, चलो देखते हैं। ठीक है शायद 4√2 इसका शायद सही चार आंसर रूट है। दो ठीक है अब माइक बंद करेंगे बच्चे। देखिए आपको क्या चीज दी गई थी और क्या चीज आपसे पूछी वो। गई थी। माइक बंद प्लीज बच्चों, ऐसे तो डिस्टरबेंस होगा, फिर माइक बंद कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमें कराने हैं। ठीक है देखो आपको दिया गया है कि जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया आपको दिया गया है कितना दिया गया है। एरिया का मान आपको दिया गया था 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया था, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया था त्रिज्या का मान बताओ कितना होगा। तो आपने कहा सर एरिया का एक सूत्र हम जानते हैं कि अगर एरिया 32 पाई है तो इसके नीचे एरिया का सूत्र लगा देते हैं। कितना होता है एरिया का सूत्र, होता है पाई आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, 32 पाई के बराबर है। आपसे कहा गया आर निकालने के लिए, तो आपने कहा जो भी चीज निकाली जाती है उधर ही रहेगी। आपने कहा कि आर स्क्वायर तो इधर ही रहेगा और ये जो 32 पाई है ये गुणा हो जाएगा किसके साथ में, इधर पाई है तो इधर आने के बाद में कितना हो जाएगा, 1/π हो जाएगा। पाई से पाई कट गया यानी कि आर स्क्वायर का मान तो हमारे पास में कितना आ गया, 32 आ गया है। अब देखते हैं इसको आगे हल कैसे करते हैं। आप जानते हो कि अगर आपको आर स्क्वायर का मान 32 दे रखा है तो आप इसके फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे। चलो 32 के गुणनखंड कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास में ऐसा नंबर दे रखा है जो हमारे पास में वर्ग नहीं है किसी का, तो हम उसके गुणनखंड ही करते हैं। 2 से कट करा कितना आ गया, 16। 2 से कट किया तो 8 आ गया। सात हाँ 2 से कट किया तो 4 आ गया, 2 से कट किया तो 2 आ गया, और 2 से कट किया तो 1 आ गया। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ चुका है। तो हम इसको जल्दी से कॉपी करके यहाँ पे 5 बार 2 लिख देते हैं कि जो आर स्क्वायर का मान है वो कितना हो गया है। आर स्क्वायर का मान हो गया है सर 5 बार 2 गुणा में, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप जानते हो कि अगर आपसे आर का मान पूछा गया है तो आपने कहा जो आर का मान होगा अगर पेयर में आ गए हैं तो वो 1 लिखा जाता है यानी कि 2 गुणा 2, और जो पेयर में नहीं आया वो रूट के अंदर लिखा जाता है यानी कि आर का मान आ गया है 4√2। अब आप हमें जल्दी से बताओ अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो एन टाइप करना, चाहे तो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो वो माइक ओपन करके जल्दी से पूछ सकता है कोई भी स्टेप जो उनको नहीं समझ में आया हो। हाँ बताइए। मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है भूमिका कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से बता देते हैं। आप हमें ये बताओ कि आपको समझ में कहाँ से नहीं आया, हम बताते हैं एक बार फिर से। बताइए एक बार भूमिका। देखो हमें एरिया का मान दे रखा था 32 पाई, हमें लिख दिया कि जो एरिया है वो हमें दे रखा है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है त्रिज्या बताओ कितनी होगी। भूमि का जहां भी समझ में नहीं आए आप वहीं पर रोक देना कि सर यहां पर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है राजेश, आप भी जिन्होंने राजेश कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन की है, देखो आपने कहा हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या का मान हमसे पूछ लिया है। तो जब आपको क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछी जाएगी तो आप क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाओगे। सर क्षेत्रफल अगर 32 पाई है तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास में होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 32 पाई, ये हमें दे रखा है। बताओ इतना समझ में आ गया ना राजेश कुमार को और भूमिका को। यस ठीक है अब आप क्या करोगे, आपसे तो त्रिज्या का मान पूछा गया है तो आप कहोगे जिसका मान पूछा गया है ये तो इधर ही रहेगा, बाकी 32 पाई तो ठीक है गुणा। अब देखो अगर इधर पाई है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, ये 1/π कितना हो जाएगा, 1/π, क्योंकि आप जानते हो अगर लिखा है कहीं पर x/y गुणा p बराबर z, तो आपसे अगर p का मान पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर जो p का मान होगा वो बराबर z में, अगर इधर x/y था तो इधर आके गुणा होगी y/x से, यानी कि ऐसे बदल जाती है, भिन्न पलट जाती है। तो आपने कहा आर स्क्वायर, आप पाई से पाई तो कट गया तो आपने कहा आर स्क्वायर का मान आ गया 32। इतना बताओ राजेश कुमार और भूमिका समझ में आ गया आपको। यस ठीक है अब देखो आर स्क्वायर का मान 32 है, अगर आर सर, यस स्क्वायर का मान 32 है तो
आप कहोगे सर आर का मान अगर आपको निकालना है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब आपने दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो आप कहोगे सर आर स्क्वेयर का ऊपर वर्गमूल आ गया बराबर 32 के ऊपर वर्गमूल आ गया। अब देखो ये तो आर स्क्वेयर तो इस स्क्वेयर से वर्गमूल कट जाएगा, यानी कि आर का मान कितना आ गया, अब आपको वर्गमूल के अंदर 32 दिख रहा है, तो 32 के फैक्टर अभी करे थे, यानी कि आप लिख दोगे 5 बार 2, और जो भी नंबर पेयर में आता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे ये पेयर में आ गया, ये पेयर में आ गया, यानी कि जोड़े बन गए। तो एक तो इस वाले दो का यानी कि जो जोड़ा बना था, और एक इस वाले जोड़े का दो बाहर आ गया, बाकी कितना बच गया, रूट दो, ऐसे बच गया। कितना बच गया, 4√2, यानी कि आर का मान कितना आ गया, 4√2 आ गया। अब बताओ भूमिका और राजेश समझ में आया आपको? यस अगर नहीं समझ में आया तो सर, ठीक है, अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ अगर आर स्क्वायर का मान, अगर हमारे पास में कितना हो जाए, बताइए अगर आर स्क्वायर का मान हमारे पास में 20 मान लेते हैं, तो बताओ जरा आर का मान कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर आर स्क्वायर का मान 20 है तो बताओ आर का मान कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यदि आर स्क्वायर का मान 20 है, अगर आर स्क्वायर का मान 20 है, ये रहा कि हम फिर से लिख देते हैं काले कलर से, कि अगर आर स्क्वायर का मान 20 है तो बताओ आर का मान कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताइए। सर 2√5। 2√5, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके, चाहे ओपन करके बताइए माइक, जैसे इन बच्चों का आ गए। अच्छा हमें तो भूमिका से और राजेश से सुनना है, बताइए भूमिका आंसर कितना आएगा। भूमिका आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो काफी सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर आ गया है, दीपांशु का आ गया है, केशव का आ गया है, लोकेश का आ गया है, दिशांत का आ गया है, ललित का आ गया है। भूमिका आप भी बताइए आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो हम एक बार फिर से बता देते हैं, भूमिका सामने देखिए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया भूमिका के साथ में वो भी देखिए। देखो आपको आर स्क्वायर का मान 20 दे दिया है और आपसे आर का मान पूछ लिया है, तो आप कहोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो यहाँ लिखा जाएगा आर स्क्वायर का रूट और इधर लिखा जाएगा 20 का रूट। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो आपने कहा जो आर का मान होगा वो कितना जाएगा, रूट में कितना जाएगा, 20 के फैक्टर कर लेते गुणनखंड। 2 से कट करा तो 10 आ गया, 2 से कट करा तो 5 आ गया, और 5 से कट करा तो 1 आ गया, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5। और आप जानते हो इसका तो जोड़ा बन गया, ये तो बाहर आ गया, और 5 का जोड़ा नहीं बना तो वो 5 अंदर रह गया। अब आप बताओ हमें सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है चलिए सभी को समझ में आ गया है। अब आपका चैट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है, वजह आपको पता है कि आपके सामने फिर से एक पर्सन आने वाला है, आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है चलिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया था हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया है, तो जल्दी से पर्सन नंबर 20 को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में आप पर्सन नंबर 20 का ऑप्शन करेंगे पोल सेक्शन के अंदर वोट, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से कोशिश करेंगे इसको जल्दी से सॉल्व करके कि पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें, जल्दी से सभी बच्चे, इस पर्सन को सॉल्व करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, पर्सन नंबर 20, जिसके अंदर पूछा गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, और जैसे ही उनका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा वो जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज देंगे। ठीक है और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। और जो भी आपके दोस्त हैं आप सभी से बोलना कि क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे, अगर आपके दोस्त ऐसा कर रहे हैं कि क्लास में नहीं आ रहे हैं तो
आप एक बार उनको याद दिला सकते हो कि क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है, कि जो आपके पेपर की वजह से रुक गई थी, बंद हो गई थी, तो वो क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है? तो अपने दोस्तों को बता देना कि अगर किसी वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया तो उनको नहीं पता है, तो मंडे से आ जाएं, और मंडे से नया एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। अब ज्यामिति आपकी खत्म हो जाएगी और आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति आपकी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है? तो ये आप सभी का काम है कि आपको अपने दोस्तों को बताना है कि वो भी क्लास ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए, अब आपका पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, अब आपका पोल सेक्शन बंद, लोकेश माइक बंद कीजिए बच्चे प्लीज, माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे। जब हम कहते हैं कि आपको कुछ पूछना है तो जब माइक ओपन कर लिया करो बस, ठीक है? अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। चलिए, आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से जिन बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन वोट नहीं किया है वो जल्दी से, आखिरी 10 सेकंड आपके पास में, जल्दी से वोट कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए, अब बच्चों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था या फिर किसी बच्चे का पोल के अंदर ऑप्शन छूट गया है वोट करना, तो वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और जल्दी से अपना ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। दीपांशु का आ गया है, ललित का आ गया है, लोकेश का आ गया है, कार्तिक, ठीक है, संदीप, राजेश, अशोक, चिराग, अंकित, ईशु, कृष्ण, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अब कोई भी बच्चा रिपीट नहीं करेगा क्योंकि बच्चे रिपीट कर रहे हैं अपना ऑप्शन। चलिए, सब बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर, ओ सॉरी, कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा, वरना तो फिर कहोगे समझ में नहीं आए। सब बच्चे अब सामने देखेंगे। देखिए, आपको दिया गया कि आपके पास में जो वृत्त दिया गया उसका क्षेत्रफल कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, आपने कहा सर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पहले किया था, बस उसके अंदर पाई का मान नहीं रखना था, पाई से पाई कट जा रहा था, पर यहाँ पर हमें पाई का मान भी रखना होगा। तो हमने कहा कि एरिया हमें कितना दे रखा है, कि क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616। हमने इसका सूत्र लगा दिया कि जो हमारे पास में क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है पाई गुणा आर स्क्वेयर, और ये कितना दे रखा है हमें, 616 दे रखा है। अब आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो आपने पाई की जगह रख दिया 22/7 गुणा आर स्क्वेयर बराबर 616। अब जब आप यहां से आर का मान निकालोगे, क्योंकि आपको आर का मान निकालना है, तो आपको जिस चीज का भी मान निकालना होता है उसको हम उधर ही छोड़ देते हैं, आपने कहा आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 616 गुणा, अब आप जानते हो कि 22/7 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर आर स्क्वायर का आंसर तो आ गया, कि आर स्क्वायर का मान आ गया 616 गुणा 7/22, 7/22, इसको हम फिर से लिख देते हैं, 616 गुणा 7/22 गुणा 7/22। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हमें पहले यहीं पर बता दो, सर हमारा यहाँ पर कोई डाउट है, जल्दी से। अगर किसी बच्चों का डाउट है तो वो जल्दी से यहाँ पर एंड टाइप करके भेजे, या फिर अपने माइक ओपन करके भी पूछ सकता है कि यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो। किसी का कोई डाउट नहीं है ना, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, अगर यहां तक किसी का डाउट है। भूमिका, आपका तो डाउट नहीं है ना, नो सर। ठीक है, तो देखिए यहां तक किसी का डाउट नहीं है। अब देखो आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए आप कैसे करें, देखो इसके लास्ट में भी 6 यानी कि 2 से कट जाएगा, इसके लास्ट में 2, ये भी नंबर 2 से कट जाएगा, तो सबसे पहले हम इसे 2 से ही काट लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 से ही काट लेते हैं, कि 616 गुणा 7/22 है, तो हमने इसको 2 से काटा, तो देखो 2 3 6 0 2 8 16, और 2 से काटा तो कितना आ गया, 11 आ गया। इसमें किसी को डाउट है कि 616 को जब 2 से काटा तो 308 है, देखो जब 616 को 2 से कट करोगे तो 2 3 6 कट गया, अब ऊपर से उतारा 1, जब आपने ऊपर से 1 उतारा तो देखो 1 में तो भाग नहीं जा सकता क्योंकि 1 तो छोटा नंबर है, तो आपने उसको 0 टाइम चलाया तो 0 आ गया, तो बचा 1, ऊपर से आपने उतारा 6, और 2 8 कितना होता है, 16, तो कितना आ जाएगा, 308 आपके पास में आ जाएगा।
और जब आपने लिखा आर स्क्वायर का मान आ गया 308 गुणा 7/11, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया है 88 गुणा 7। भूमि का यहां तक होता कोई दो डाउट तो नहीं है किसी का? और बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, सर। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे अपना, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपका आर स्क्वायर का मान कितना आ गया है, आर स्क्वायर का मान आ गया आपके पास में, लिख देते हैं इधर, आर स्क्वायर का मान आ गया है 28 गुणा 7। अब आपसे आर का मान पूछा गया है, तो आपने कहा सर आर का मान पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 को 7 गुणा 4, 28 को लिख सकते हैं 7 गुणा 4, और 7 पहले से ही है। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी कि आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान आ गया है 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो आप कह दो कि सर आर का मान कितना आ गया 7 गुणा 2, और आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि किसी बच्चे को कोई डाउट है कि 28 को तो हमने लिखा 7 गुणा 4, और 4 को लिख दिया हमने 2 गुणा 2, तो देखो 7 और 2 का भी पेयर बन गया जोड़ा, और 2 और 2 का भी पेयर बन गया जोड़ा बन गया, तो आर का मान कितना आ गया 7 गुणा 2, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, बी आंसर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करके भेजे, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो एन टाइप करके भेजे, और माइक ओपन करके भी पूछ सकता है अगर डाउट है तो किसी बच्चे को कैलकुलेशन में। यानी कि सभी को समझ में आ गया, भूमिका आपको समझ में आ गया राजेश? चलिए, यानी कि इस पर्सन का तो सही आंसर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो हम फिर से बोल रहे हैं कि अभी पूछ लीजिए जल्दी से, ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है। हम इस बार भूमिका की कॉपी चेक करेंगे कि भूमिका का आंसर कितना आया इस वाले पर्सन में। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है, पर्सन नंबर 21, पर्सन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे और अपना सही आंसर वोट करेंगे कि आपकी तरफ से पर्सन नंबर 21 का सही आंसर कौन सा है। बिल्कुल अभी करना सिखाया था आपको, अब गलत मत करना कोई भी जाके, ठीक है। और हम भूमिका की कॉपी भी देखेंगे कि भूमिका ने इसको कैसे हल किया है। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी सारे बच्चों ने पोल कर दिया अंदर, ऑप्शन वोट करना स्टार्ट कर दिया है पोल के अंदर, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर अपना ऑप्शन वोट करेंगे। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल अभी सिखाया है कि क्षेत्रफल आपको दे रखा है और त्रिज्या का मान आपसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर, अपना सही ऑप्शन वोट कर देंगे जिनका हो गया है। जिनका हो गया है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने अंदर पोल के अंदर वोट कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास में तो पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से वोट कर दीजिए। सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है, जल्दी से। अब आप सभी के पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है बच्चों, अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, या फिर कोई बच्चे जो पोल के अंदर ऑप्शन नहीं कर पाए हैं, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाएं और अपना सही ऑप्शन जल्दी से भेजें कि कौन सा ऑप्शन सही है। दीपांशु, भूमिका, सपना, कार्तिक, ललित, तरुण, अशोक, ईशु, संदीप, देव यादव, अंकित, ठीक है। अब सभी बच्चे रिपीट कर रहे हैं, अब कोई बच्चा टाइप करके नहीं भेजेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। मंजीत गुज्जर, ठीक है,
अब देखिए आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था क्षेत्रफल का मान, कितना दे रखा था कि क्षेत्रफल है हमारे पास में 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया था त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन हमने आपको जस्ट अभी सिखाए थे कि जब आपको क्षेत्रफल का मान देके त्रिज्या पूछी जाएगी तो आप लगाओगे एरिया का सूत्र कि कितना होता है, एरिया दे रखा है 49 पाई और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर और इसका मान कितना दे रखा है 49 पाई। आपसे पूछा गया आर के बारे में तो आर इधर ही रहेगा यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49 पाई गुणा, अब ये पाई इधर आके कितना हो जाएगा 1/π हो जाएगा और पाई से पाई कट गया यानी कि आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान तो कितना आ गया है 49, वर्गमूल लेने पर आप कहोगे सर आर का मान आ जाएगा 7, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 और आर का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर सभी को समझ में आ गया है कि आर का मान 7 आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपने माइक ओपन करके पूछ ले। चलिए सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो अब आपके पास में क्या है, अब आप एक नई चीज पढ़ोगे यानी कि अब आप पढ़ोगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप क्या पढ़ोगे, आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये अर्धवृत्त कैसा होता है, मान लो ये आपके पास में वृत्त है, मान लीजिए आपके पास में वृत्त है, वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वेयर। अगर इसी वृत्त को आधा कर दिया जाए यानी कि वृत्त पूरा है, अगर इसको हम काट के आधा कर दें कि ये रहा हमारे पास में इसका व्यास और हमने इसको काट के क्या कर दिया है आधा कर दिया है, जब हमने इसको आधा कर दिया है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। यानी कि आपने कहा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है कि पूरे सर्कल का तो कितना होता है, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे सर्कल का आधा हो जाएगा यानी कि पूरे सर्कल का पूरा पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का कितना हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्षेत्रफल है तो इसकी भी इकाई क्या होगी, यानी कि अगर आपको त्रिज्या का मान, अगर आपको त्रिज्या का मान अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर आपको त्रिज्या का मान मीटर में दिया गया है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि अगर आपको रिवाइज हो गया है, समझ में आ गया है तो वाई, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है यहाँ पर तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है सभी को समझ में आ गया है, चलिए अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, वजह आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, अब आपको इस प्रश्न को हल करना है और हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर वोट करना है। जल्दी से सभी बच्चे देखिए आप सब क्या चीज पूछी गई है कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे और आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि आपको किसका मान दे दिया गया है, आपको त्रिज्या रेडियस का मान दे दिया गया है कितना, कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। राउटर बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बच्चों ने पोल के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। माइक बंद, देव यादव प्लीज माइक बंद। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी जल्दी से सोल्व करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर आंसर लिख लेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन वोट कर दें या फिर चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर दें। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो आपका आपके पास में आखिरी 20 सेकेंड है कि बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर ऑप्शन वोट कर दें। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकेंड है क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी के बच्चे वही बच्चे भी क्या करते हैं जिनके पास में पोल ऑप्शन आता है, पोल के अंदर जाके जल्दी से अपना ऑप्शन वोट कर दें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है,
अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से अपना सही ऑप्शन पोल के अंदर वोट कर दें। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। वन देव यादव ऐसे मत करो, क्लास से बाहर निकाल देंगे। चलिए आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है, अब आप जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर जाएंगे। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था या कोई बच्चा पोल के अंदर वोट नहीं कर पाया है तो वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजें। ठीक है सर, दीपांश, हमारा अलग आ रहा है। क्या आ रहा है इन ऑप्शन से अलग आंसर आ रहा है किसी का? ठीक है यस सर, सर चलिए 336 आ रहा है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ टाइप नहीं करेगा, जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए आपको दिया गया है कि आपके पास में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, आपने कहा 14 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे एरिया पूछा गया है। आप जानते हैं कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है, तो आपने कहा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आपने कहा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो बता देते हैं कितना होता है। कि आपने कहा जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आपने कहा हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसके अंदर मान भर दो कि हाफ का मान तो हाफ ही रहेगा 1/2, गुणा पाई का मान कितना हो गया 22/7, गुणा आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14। ठीक है अब आप देखोगे कि इस एक 14 से 7 दूनी 14 होते हैं, 1/14 कट गया, यानी कि आपके पास में एरिया का मान कितना आ गया है 22 गुणा 14। अब जब आप गुणा करोगे तो 14 दूनी कितने होते हैं 28, यानी कि 8, आपने 2 कैरी किया, और 14 दूनी 28 और 2 कितना हो गया 30, यानी कि कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो क्षेत्रफल है इस अर्धवृत्त का वो कितना हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प ए क्या इसका सही आंसर है, विकल्प ए क्या इसका सही आंसर है। अच्छा जिन बच्चों का 396 आ रहा था बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है? कार्तिक आपका 336 आ रहा था, अब आप बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है कार्तिक, ठीक है सभी बच्चे। सर हाँ जी बताइए भूमिका। एक आटा है ना, ये समझ में नहीं आया। अच्छा एक बार हम फिर से बता देते हैं, जहां हमने कट किया वो समझ में नहीं आया है। ठीक है देखिए आप ना एक काम करो भूमिका, इधर देखो हम इधर लिख देते हैं। देखो सभी बच्चे सामने देखेंगे जिनको कैलकुलेशन में नहीं समझ में आया है। देखिए आपने कहा जो एरिया का मान है, अगर इसका एरिया का तो फॉर्मूला है हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वेयर, आपने कहा हाफ का मान हाफ ही रहेगा, गुणा पाई का मान 22/7 रहेगा, गुणा त्रिज्या का मान 14 है गुणा 14। अब आप भूमिका हमें बताओ कि इस वाले 2 से क्या आप इसको 11 टाइम काट सकते हो कि नहीं काट सकते, बताओ भूमिका, बताइए भूमिका जल्दी यस से। सर, ठीक है इस वाले 7 से क्या आप इस वाले 7 से इस वाले 14 को 2 टाइम काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? यस सर, ठीक है तो एरिया का आंसर कितना आ गया कि एरिया आ गया 11 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है अब देखो बहुत आसान है, 14 दूनी कितने होते हैं 28, यानी कि एरिया का आंसर आ गया 11 गुणा 28, और 28 की जब 11 में गुणा करोगे तो अब आपको ऐसा तो नहीं करे कि हम गुणा करके दिखाएं, चलो दिखा देते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 308 आ जाएगा। ठीक है भूमिका तो यस सर। आंसर कितना आ गया, विकल्प ए आपका सही आंसर है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी बच्चे का को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं जल्दी से, भूमिका तो अपने सारे डाउट पूछ लेती है, बाकी सभी बच्चे पूछ लिया करो जैसे भूमिका पूछती है। चलिए अब आगे चलते हैं कि इस प्रश्न का तो हमें सही आंसर पता लग गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही आंसर है। तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, वजह आप सभी को पता है कि आपकी स्क्रीन पर एक और पर्सन आ गया है, अब आप उसको जल्दी से जाएंगे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, यानी कि पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर के आप प्रश्न नंबर 23 का जल्दी से वोट करोगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे पूछा गया है
कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है कार्तिक, हमें पता लग गया आपका गलत हो गया था किसी वजह से। चलिए देखिए, आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा गया है बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे ने पोल के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर अपना ऑप्शन वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उनको पता है ना क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन हल करना है और कॉपी के अंदर अपना ऑप्शन बना के लिख लेना है, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप क्या करें अपना ऑप्शन जल्दी से लिख कर भेज दें। चलिए अब आपके पास में लास्ट 20 सेकेंड है, क्योंकि तो काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो आपके पास में आखिरी 20 सेकेंड है। और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकेंड है। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता या फिर इनका पोल के अंदर ऑप्शन नहीं कर पाए, छूट गए, तो वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। दीपांशु, संजय, कार्तिक, ललित, सपना, सीमा, अंकित, तरुण, अशोक, संदीप, कृष्ण, राजेश। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, दिशांत राजपूत, अंकित यादव, अब से बच्चे सामने देखेंगे। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, चैट सेक्शन में। देखिए आपको पूछा दिया गया है कि जो अर्धवृत्त है उसको क्षेत्रफल कितना है, आपने कहा सर हमें अर्धवृत्त का एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछी गई इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका सूत्र लगा दो। क्या होता है इसका सूत्र, यानी कि इसका सूत्र होता है मेरे पास में हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर, और इसका मान हमें कितना दे रखा है 50 पाई दे रखा है। इतना सभी को समझ में आ गया है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना भूमिका, आपको बताइए तो जल्दी से। सर ठीक है, तो आपने कहा आपको किसका मान निकालना है, आपने कहा सर आपको आर का मान निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा यानी कि आर स्क्वायर यही रहेगा, आर स्क्वायर बराबर 50 पाई, सब कुछ ठीक है। पर ये जो हाफ इधर से आप इधर लेके जाओगे तो इधर 1/2 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, गुणा इधर ये जो पाई गुणा में इधर आके कितनी हो जाएगी, ये 1/π हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/π, और पाई से पाई कट गया यानी कि 50, सॉरी हमने कुछ और काट, पाई से पाई कट गया यानी कि 50 दूनी 2, 50 दूनी कितना हो गया 100, यानी कि आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान तो हो गया 100, तो आर का मान कितना हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हो 100 किसका वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है, तो वर्गमूल लेने पर आर का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प बी क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो सभी, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ लीजिए या फिर वो कमेंट सेक्शन में एंड टाइप करके अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आप एंड डाउट अगर आप एंड टाइप कर दोगे तो हम आपसे खुद पूछ लेंगे कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है इशू, चलिए सभी को इतना समझ में आ गया है तो हमें पता लग गया है कि इसका सही आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आप एक नई चीज पढ़ोगे, पढ़ी हुई है हमारी चीज फिर से। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो संबंध होता है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच में संबंध होता है। कैसे संबंध होता है कि अगर आपको एक वृत्त दे दिया जाए तो आप जानते हो कि ये वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसके ऊपर स्थित एक बिंदु P या फिर A ले लेते हैं हम, कि हमने यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया, तो ये OP क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो आप जानते हो जो इसका क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो कितना होता है हमारे पास में, वो होता है सर पाई आर स्क्वेयर।
और अगर आपसे पूछा जाए आर स्क्वायर को भी हम ऐसा लिख सकते हैं पाई गुणा आर गुणा आर। अगर आपसे इसके परिमाप के बारे में पूछा जाए तो आप कहोगे जो वृत्त की परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि होती है परिमाप होता है वो कितना होता है, कि जब परिधि हो चाहे परिमाप हो कितना होता है। आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास में 2 गुणा पाई गुणा आर। अब आप देख पा रहे हो कि अगर आप क्षेत्रफल को परिधि से भाग कर दोगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर पाई से तो पाई कट जाएगा आर से आर कट जाएगा, यानी कि आप कहोगे सर क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना आ जाएगा हमारे पास में, कि सर क्षेत्रफल बटे परिमाप आ जाएगा। एक तो हमारे पास में आर बच गया है और एक हमारे पास में 2 बच गया है, यानी कि आर बटे 2। अब आप जानते हो कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और परिमाप सेंटीमीटर में आता है, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में सेंटीमीटर, यानी कि इसके अंदर एक यूनिट भी बच जाएगी कि आर बटे 2 सेंटीमीटर, कि जो क्षेत्रफल बटे परिमाप होता है वो कितना होता है आर बटे 2 सेंटीमीटर। अब आप बताइए हमें इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो एन टाइप करना जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? हाँ जी बताइए सर, जो भूमिका। आपने ये आर बटे 2 लिखा है ये नहीं रहे? हाँ अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर एरिया और परिमाप, यानी कि अगर एरिया को हम परिमाप से भाग कर दें तो हमारा आंसर आएगा कि त्रिज्या को 2 से भाग कर दो और उसके पीछे सेंटीमीटर लगा दो, वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है चलिए हम आपसे क्वेश्चन कराते हैं, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, देखिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आएगा। आप इस वाले प्रश्न को हल करना, देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आने वाला है, आप इस वाले प्रश्न को हल करना जरा, इस वाले प्रश्न को आप हल करना, देखो जल्दी से देखिए आप इस वाले प्रश्न को हल कीजिए सभी। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, कितनी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होगा, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होगा। अभी आपको बताया गया था कि जो क्षेत्रफल बटे परिमाप होता है, कि जो क्षेत्रफल बटे परिमाप होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर क्षेत्रफल बटे परिमाप हम ऐसे निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल का तो एक सूत्र होता है पाई गुणा आर गुणा आर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। एक आर से तो आर कट गया और पाई से पाई कट गया, यानी कि जो क्षेत्रफल बटे परिमाप है वो तो आर बटे 2 हो गया। अब आर का मान तो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और नीचे आ गया 2, यानी कि कट के कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया कट के 3 सेंटीमीटर, बताओ आगे के नहीं आ गया। ठीक है विकल्प डी क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। सपना क्या नाम है, भूमिका, यस सर, समझ में आ गया ना आपको। यस सर। ठीक है चलिए अब हम आपको 2 क्वेश्चन और कराते हैं, आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है 2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको, क्योंकि ये आपकी लास्ट रिवीजन क्लास चल रही है तो आपको 2 क्वेश्चन और कराते हैं हम, ध्यान देना सभी बच्चे। देखिए यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप जल्दी जल्दी समझना, आप हमें बताना समझ में आया है कि नहीं आया। देखिए यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे सर हमसे क्या चीज पूछी गई है, हमसे पूछी गई वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। आपने कहा आप जानते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, आपने कहा सर पाई गुणा आर होगा, आपने कहा पाई का मान 22/7 रख देते हैं, ठीक है रख दिया गुणा। अब आर कहाँ से लेकर आओगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, आपने कहा इस सवाल के अंदर आर तो नहीं दे रखी, यानी कि हम तो अब आगे नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो दे रखा है कि जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है तो आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, कैसे इस्तेमाल किया, आपने कहा सर हमें परिमाप का मान दे रखा है कि जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है, परिमाप का सूत्र लगा दो कितना होता है 2 गुणा पाई गुणा आर,
बराबर 44 सेंटीमीटर। अब आपको आर निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा। आपने कहा सर आर निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा, तो आर का मान कितना आ गया 44। अब देखो ये 2 गुणा में था, तो इधर आके कितना हो जाएगा 1/2। और आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है 22/7, तो दूसरी तरफ आके कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/22। भूमिका समझ में आ गया है ना आपको? यस आर का मान कितना हो जाएगा कि 2 से 44 को काटा 22, और 22 से 22 को काट दिया तो 1, यानी कि आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आप आर का मान 7 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दोगे, कि आर का मान 7 सेंटीमीटर यहाँ रखा, तो 7 गुणा 7, और 1 7 से 1 7 कट गया, तो आप कहोगे सर 22 गुणा 7, और 22 गुणा 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आप हमें सभी बच्चे जल्दी से बताओ कि अगर आपको परिमाप दे दिया जाए और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? सभी बच्चे निकाल पाओगे ना? ठीक है सपना, राजेश, कार्तिक, यानी कि आपको पता लग गया है कि अगर आपको परिमाप दे दिया जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो। चलिए अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, सेम इसी सवाल का अगर उल्टा कर दिया जाए कि आपके पास में क्षेत्रफल कितना दे दिया जाए, चलो इसका उल्टा देख लेते हैं। ये रहा क्षेत्रफल, कि आपके पास में क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ जरा परिमाप कितना होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे एक बार, सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि अगर क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ परिमाप कितना होगा? हम लिख देते हैं कि परिमाप बताओ कितना होगा अगर आपके पास में जो क्षेत्रफल है, परिमाप बताओ कितना होगा अगर आपके पास में क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपके पास में क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ परिमाप कितना होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि परिमाप कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने, आप लिख के भेज सकते हो, ए बी सी या डी। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, और सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चे अपना ऑप्शन लिख के भेजेंगे कि आपका सही आंसर कौन सा है। चलिए हम करा दें। नो सर। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो तो जल्दी से बताइए, फिर जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है कार्तिक, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। लोकेश, राजेश, ठीक है, अशोक, ठीक है आपका, हम ये नहीं कह रहे ठीक है, मतलब ठीक ये कि आप अपने आंसर भेज रहे हो, जल्दी जल्दी से बच्चे अपने आंसर भेजिए। तो अगर आपका आंसर हो गया है, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन भेजिए। 1 मिनट में सिर्फ स्टार्ट करते हैं, वो लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है सभी बच्चे, नहीं हो रहा। हाँ वो लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है अभी। बाकी सभी बच्चे अपना ऑप्शन भेजिए जल्दी से। बस 1 सेकंड में स्टार्ट करते हैं अभी।
हेलो। तो अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करके बताइए हमें। अच्छा, नो सर, लो सर, एक सेकंड, एक नो सेकंड। हाँ बच्चे, एक सेकंड, माइक बंद कीजिए प्लीज। माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे बस। चलिए, अब शायद आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। देखिए, आपको क्या चीज दी गई थी और आपसे क्या चीज पूछी गई है। देखो, आपको दिया गया था कि आपके पास में क्या है। आपको दिया गया था कि आपके पास में क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। यानी कि आपको क्षेत्रफल का मान दे रखा था 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, और आपसे पूछा गया था परिमाप बताइए कितना होगा। तो आपने कहा जो परिमाप है हम निकाल लेते हैं कि परिमाप होगा सर 2 गुणा पाई गुणा आर होगा। अब जब आपने इनके मान रखने शुरू करे, 2 का मान 2 ही रखा गुणा पाई का मान पाई रखा, अब आपके पास में आर का मान नहीं है। क्योंकि हमने पाई का मान पाई क्यों रखा, क्योंकि ऑप्शन में परिमाप में पाई दे रखा है, तो हमने पाई को पाई रहने दिया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में आर नहीं है, तो आर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्षेत्रफल का। आप जानते हो कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा आर स्क्वेयर, और ये कितना रखा हमें, 81 पाई। और आप जानते हो कि हमें आर स्क्वेयर निकालना है, तो आर स्क्वेयर इधर ही रहेगा, तो आर स्क्वेयर का मान आ गया 81 पाई गुणा, अब इधर से पाई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/पाई, और पाई से पाई कट गया, यानी कि आर स्क्वायर का मान 81 आ गया है। तो आप जानते हो कि आर का मान कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और जब आप यहाँ पर आर का मान 9 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 9 18, और गुणा पाई कितना आ गया, 18 पाई। यानी कि आपका विकल्प बी क्या है, आपका सही आंसर है। विकल्प बी क्या है, आपका सही आंसर है। अब आप हमें बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, पूछना है, तो वो जल्दी से एन टाइप करे या फिर माइक ओपन करके पूछ लीजिए। सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो देखो हमने जितना भी व्रत पढ़ा था, वो व्रत हमने क्या कर लिया है, पूरा का पूरा व्रत रिवाइज कर लिया है। अगर किसी कोई बच्चे का डाउट है तो आप जल्दी से अभी पूछ सकते हो कि हमें सर ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम पूछ लें। और नेक्स्ट क्लास मंडे जब आपकी होगी, तो आपको अभी हमने बता दिया था कि अब आपकी क्षेत्र मिति, लोकेश आपको समझ में नहीं आया है, एक बार माइक ओपन करो लोकेश जल्दी से। किसी और बच्चे का भी डाउट है तो वो जल्दी से एक बार माइक ओपन कर सकते हैं लोकेश। बच्चे एक बार माइक ओपन करो प्लीज। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि माइक नहीं खुल रहा हो, माइक तो ओपन है बच्चों सभी के। हाँ खुल रहा है। चलिए हम एक बार बता देते हैं लोकेश को, अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से देखिए लोकेश एक बार स्क्रीन पर। देखो यहां समझा देते हैं हम, ये रहा। देखो आपको दिया गया था कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपने कह दिया कि सर हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपने कहा सर क्षेत्रफल हमें दे रखा है 81 पाई। हमसे क्या चीज पूछी गई, हमसे परिमाप पूछा गया। हमने कहा सर हम जानते हैं कि जो परिमाप है वो हमसे पूछा गया है, और परिमाप तो बहुत आसान है निकालना, कि सर जो परिमाप होगा वो तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा पाई गुणा आर। सभी के मान भर देते हैं और परिमाप का आंसर निकाल देते हैं। जब आपने परिमाप का मान निकालने के लिए आंसर भरा, मान भरा, ये 2 ही रहेगा, गुणा पाई का मान पाई रहेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सभी ऑप्शन में पाई हमें दे रखा है। तो हमने कहा पाई का मान कितना रहेगा, पाई ही रहेगा, गुणा। अब आपको दिक्कत हो गई कि आपके पास में आर का मान नहीं है, तो आर का मान निकालने के लिए आपने क्या करा, आर का मान निकालने के लिए आपने उसके क्षेत्रफल को इस्तेमाल कर लिया। कि आपने कहा सर क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, कि हमें क्षेत्रफल 81 पाई दे रखा है, और इसका सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। और पाई आर स्क्वेयर का मान कितना दे दिया, 81 पाई। हमें आर स्क्वायर यानी कि आर निकालना तो इधर ही रहेगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 81 पाई, और इधर से जब पाई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा 1/पाई, पाई से पाई कट गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया, 9 आ गया। क्योंकि आर स्क्वायर 81 है, तो आप जानते हो कि ये 9 का स्क्वायर होता है, तो आपने कहा आर का मान कितना हो गया, 9।
अब आर का मान यहाँ पे आप 9 लिख दोगे तो 9 दूनी कितना होता है 18, और परिमाप कितना जाएगा 18 पाई। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 18 पाई। अब लोकेश एक बार जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है, और अगर किसी और बच्चे का डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, एक बार लिख के भेजिए एन कि आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है लोकेश, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो हम ये कह रहे थे कि अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, और मंडे को क्या होगा आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा मेंसुरेशन। तो आप अपने सभी दोस्तों को कह देना कि अब क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दें। अगर किसी बच्चे ने मतलब उनको लगा कि शायद पेपर की वजह से बंद हो गई थी, शायद क्लासेस नहीं चलती हो, तो उनको एक बार बता देना कि क्लासेस अभी भी चलती हैं। ठीक है, चलिए।